हेलो फ्रेंड्स, मितुस किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम सर्दियों में स्पेशली जो विंटर सीजन का नाश्ता होता है, तो उसके लिए हम बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी मक्के के आटे की पूरी बनाएंगे। ये पूरी बहुत ही बढ़िया बनेगी और खाने में एकदम क्रिस्पी और मसालेदार चटपटी बनाएंगे हम। तो आइए देखते हैं मक्के की पूरी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। यहाँ मैंने ये 1 कप मक्के का आटा लिया है। मक्के का आटा सर्दियों में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, तो आप किसी भी दुकान से इसे ले सकते हैं। और आटा लेने के बाद इसे छान लें। तो यहाँ मैंने इसे छान कर ही लिया है 1 कप। और ये 1 बड़े साइज का उबला हुआ आलू लिया है, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। यहाँ मैंने 1 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया लिया है और यहाँ 1 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। 1 चम्मच ऑयल लिया है, जिसे हम आटा गूंदने में यूज करेंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1/4 चम्मच अजवाइन लिया है। आपको अगर अजवाइन का टेस्ट पसंद ना हो तो आप इसकी जगह जीरा भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ 1 चम्मच नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आटा गूंद कर तैयार करेंगे। यहाँ मैंने 1 बड़ा बर्तन ले लिया है, तो इसमें ये मक्के का आटा डालेंगे। मक्के के आटे को मैंने पहले ही छान लिया है अच्छे से। इसमें हम ये सभी मसाले डाल देंगे। अगर आपको हींग का टेस्ट पसंद हो तो आप इसमें थोड़ा सा हींग भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। धनिया पत्ता डाल देंगे, नमक डालेंगे और ये आलू डाल देंगे। और ये सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। आलू के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने, तो अब हम इसमें ये ऑयल डाल देंगे। इससे जो हमारी पूरी है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और आटा गूंद के तैयार करेंगे। इस तरीके से हमें इसे हथेली से मसल मसल कर कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए गूंदना है, ताकि हमारा आटा अच्छे से गूंद सके। मैंने इसे 10 मिनट तक अच्छे से गूंद लिया है। और मैंने इसे ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड गूंदा है और ना ही बहुत ज़्यादा इसे सॉफ्ट रखा है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको आटा गूंदना है। और इसे गूंदने के लिए मैंने 1/4 कप पानी का यूज किया है, तो मैं इसे ढककर 2-3 मिनट के लिए रख दूंगी। तो 3 मिनट हो गए हैं, आटा हमारा सेट हो गया होगा, चेक कर लेते हैं। इसे एक बार फिर से अच्छे से थोड़ा सा गूंद लेंगे। तो आटा हमारा सेट हो गया है। अब हम इसे पूरी बेलेंगे। तो पूरी आप 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो जैसे आप बेल के बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाएं। तो इसमें से हम छोटी सी लोई लेंगे, जिस भी साइज की आपको पूरी बनानी है उस साइज की लोई बना लें। मैं यहाँ छोटी छोटी पूरी बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ इस साइज की लोई बना ली है। ये देखिए, इस तरीके की लोई बना लें। तो मैं अब आपको ये बेल के दिखाती हूँ। यहाँ मैंने ये सूखा आटा लिया है, तो पहले हम सूखे आटे से चकले बेलन से कैसे बेलेंगी वो बताती हूँ आपको। यहाँ चकला ले लिया मैंने, 1 लोई लेंगे और इसे हम सूखे आटे में कोट कर लेंगे और हल्का हल्का प्रेस करके, पहले इसे हाथ से अच्छे से प्रेस कर ले, थोड़ा सा फैला ले लोई को, और उसके बाद हम इसे बेलन से बेल लेंगे। देखिए, मैंने इसे बेल दिया है, तो आप चाहे तो इसे हल्का हल्का हाथ से एक बार सेट कर लें, इसके कॉर्नर्स को एक बार अच्छे से सेट कर लें। तो ये बिलकर तैयार हो गई है। ये पूरी हमारी सिकने के लिए रेडी है। इसे हम साइड में रख देंगे अभी। और मैं आपको दूसरा बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ,
जिससे आप बिना पीले भी पूरी को बना सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैंने एक ये प्लास्टिक शीट ली है, इसे अच्छे से धो लिया है और पोंछ लिया है और थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। सबसे पहले जो हमने ये लोई ली है इसे हम ऑयल में डिप करेंगे और इसे इस पनीर के बीच में रखेंगे और हाथ से हल्का सा फैला लेंगे, ऊपर की तरफ भी हल्के सा ऑयल लगाएंगे और इसे हाथ से फैला के थोड़ा सा बड़ा करेंगे। देखिए इस तरीके से। और अब हम इसके ऊपर ये जो हमने दूसरी पन्नी ली है इसे ढक देंगे, इसे हम इसके ऊपर रखेंगे। और यहाँ मैंने ये एक प्लेट ले ली है जिसका सिरा फ्लैट है, तो कोई भी ऐसा बर्तन ले लें जिसका सिरा फ्लैट हो और उससे हम इसे अच्छे से दबा देंगे। देखिए इस तरीके से मैंने इसे दबा दिया है, आपको जितनी मोटी या पतली रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप इसे दबा लें। और थोड़ा सा चाहे तो आप इसे उंगली से भी इस तरीके से घुमा घुमा कर बड़ा कर सकते हैं, इससे जो इसके कॉर्नर्स होंगे वो भी अच्छे से सेट हो जाएंगे, तो ये लगेगा ही नहीं कि ये पूरी आपने बिना बेले और बिना उसके बनाई है, बिना पानी से बहुत आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो हमारी पूरी बनकर तैयार है, पन्नी हटा देंगे ऊपर से और हम पूरी को बड़ी ही आसानी से इस पे से उतार लेंगे। ये देखिए इतनी बढ़िया पूरी जो आप हाथ से बेलकर भी नहीं बना सकते, तो इस तरीके से आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें। तो अब हम पूरी को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने गैस पर कढ़ाई रख ली है और इसमें ऑयल गरम कर लिया है, तो अब हम इसमें मक्के की पूरी डालेंगे। और इसे एक बार किसी भी चीज से इस तरीके से दबा देंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया पूरी बनी है, कितने अच्छे से ये फूल कर आई है। बस मैंने इसे साइड से हल्का हल्का सा प्रेस किया है, बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है। और इसे अब पलट कर दूसरी तरफ से भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी बनती है मक्के की पूरी, नाश्ते में आप इस तरीके से बना कर खिलाइए सभी को, तो सभी लोग घर में बहुत खुश हो जाएंगे। एकदम गोल बढ़िया पूरी बनी है, लग ही नहीं रहा है कि मक्के की पूरी है। तो इस मेथड से आप बहुत आसानी से पूरी बना सकते हैं। तो हमारी पूरी रेडी है, इसे मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया कलर आया पूरी का। तो इसी तरीके से हम सभी पूरियों को फ्राई कर लेंगे। तो मक्के के आटे की पूरी बनाने का इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता, बहुत आसान तरीका है ये, इसे आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको ये तरीका पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये तरीका कैसा लगा। इसी तरीके से हम सभी पूरियों को बनाकर ट्राई कर लेंगे। हमारी मक्के की टेस्टी और क्रिस्पी पूरी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। मैं आपको एक पूरी ये देखिए इसका क्रंच दिखाती हूँ, आप सुन सकते हैं कितनी क्रंची पूरी बनी है। ये बहुत ही अच्छी लगती है नाश्ते में और आप इसे लंबे सफर में जा रहे हैं तो भी बनाकर ले जा सकते हैं, नाश्ते में बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूले, रेसिपी को फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।